नमस्कार, मैं राजू सर, आप देख रहे हैं सी टीवी न्यूज। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में रेत माफियाओं के द्वारा अवैध रेत का उत्खनन एवं परिवहन निरंतर जारी है। जिले में रेत माफियाओं की तेज गति से दौड़ते हुए ओवरलोड वाहनों से सड़क पूरी तरह से खराब हो चुका है। एक्सीडेंट की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। जहाँ स्थानीय लोगों से मिली शिकायत पर पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर कोतवाली पुलिस ने रेत माफियाओं के 5 ट्रैक्टरों को मौके से जब्त करते हुए कार्रवाई की है। वहीं जिले के चंदिया थाना क्षेत्र में यातायात पुलिस द्वारा 6 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। अवैध परिवहन पर जब्त किए वाहनों पर माइनिंग अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। गौरतलब है कि जिले के राजस्व एरिया से लेकर फॉरेस्ट एरिया अंतर्गत रेत माफियाओं का अवैध उत्खनन एवं परिवहन जारी है। रेत माफियाओं से विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, जहां कुछ संबंधित विभाग इन रेत माफियाओं पर लगाम लगाने में असफल रहे हैं, जिन कारणों से रेत माफियाओं के हौसले और भी बुलंद होते जा रहे हैं। उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट। अरे इस जिले के अंदर तो मनमाना रेत ढोया जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, न कोई बोलने वाला है। हर नदियों को, तालाबों को, तालाइयों को, नालों को खोद खोद के लेके लोग बेच लिए। हमारे बांधवगढ़ क्षेत्र में तलबा तलाइया फॉरेस्ट के अंदर से सब चोरी कर रहे हैं, चारों तरफ चोरी कर रहे हैं। हम लोगों के पट्टा राजी में 200 एकड़ में रहता है, उसको लोग छूने नहीं दे रहे। हम 20 एकड़ में रहता रखे अभी आज तक नहीं बेचे, एक दाना रहता नहीं बेचे। पूरे क्षेत्र में जहां भी देखा जाए मनमाना चल रहा है, रोड खराब हो गई, वाहन प्रदूषण साथ है साथ चल रहा है। जिले का है नई रोड, मनमानी रोड में रात भी रात टाइम बेटाइम भी घुस के लोग गाड़ियों से रेता चुराते हैं। मैं प्रशासन से अनुग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि भैया इन रेत माफियों को, अवैध खनन उत्खनन करने वालों को इनको रोका जाए। सुबह मुखबिर सूचना के आधार पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रही ट्रैक्टर ट्रालियों पर कार्रवाई की गई है। इसके अंतर्गत हमने 2 ट्रैक्टर ट्राली भिलाई कॉप से आज जब्त की है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। पूर्व भी हमने 2 गाड़ियां पकड़कर उन पर भी कार्रवाई की है।